अमेरिकी साइबर सुरक्षा फर्म सेंटिनल ऑन ने मॉडिफाइड एलिफेंट पर एक रिपोर्ट जारी की है कि एक हैकिंग समूह मॉडिफाइड एलिफेंट ने भारतीय पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, मानवाधिकार रक्षकों, शिक्षाविदों और वकीलों के व्यक्तिगत उपकरणों पर कथित तौर पर आपत्तिजनक सेंध लगाए थे। नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र सिंह, आप सभी का स्वागत है बातें यूपी की में और आप देख रहे हैं पीसीएस नामा। अपने आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या है ये मॉडिफाइड एलिफेंट, ये काम कैसे करता है और इससे जरूरी कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखते चलेंगे कि यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चर्चित मॉडिफाइड एलिफेंट क्या है। तो यह एक हैकिंग समूह है जिसने कथित तौर पर भारतीय पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, मानवाधिकार रक्षकों, शिक्षाविदों और वकीलों के निजी उपकरणों पर आपत्तिजनक सेंध लगाए हैं। अमेरिकी साइबर सुरक्षा फर्म सेंटिनल ऑन के विश्लेषण ने एक दशक के दुर्भावनापूर्ण हमलों का श्रेय एक हैकर को दिया, लेकिन यह पहचान नहीं सका कि यह बुरा हैकर कौन है। संभावनाएं इसके एक हैकर समूह से लेकर राज्य प्रायोजित हैकर होने तक की होती हैं। मॉडिफाइड एलिफेंट ऑपरेटर दुर्भावनापूर्ण फाइल अटैचमेंट के साथ स्फीयर फिशिंग ईमेल का उपयोग करके अपने लक्ष्य को संक्रमित कर रहे हैं। स्फीयर फिशिंग लक्ष्य को ईमेल भेजने के प्रयास को बताता है, जो ऐसा लगता है कि वे एक विश्वसनीय स्रोत से आ रहे हैं, जो यह या तो महत्वपूर्ण जानकारी प्रकट करते हैं या आपके कंप्यूटर सिस्टम पर विभिन्न प्रकार के मैलवेयर इंस्टॉल करते हैं। विश्लेषण से पता चला कि यह हैकर समूह एक भीड़ भाड़ वाले लक्ष्य स्थान में काम करता है, जहां कई हैकर एक ही पीड़ित को निशाना बनाते हैं और उनका अन्य क्षेत्रीय हैकरों के साथ भी संबंध हो सकता है। सेंटिनल ऑन की रिपोर्ट के अनुसार मॉडिफाइड एलिफेंट ने 2018 के भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं सहित विशिष्ट समूहों और व्यक्तियों को दुर्भावनापूर्ण रूप से लक्षित किया। इस घटना को सबूत से छेड़छाड़ करने के सबसे गंभीर मामलों में से एक माना जाता है। अब बात करें यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में बनने वाले संभावित प्रश्नों की, तो पहला प्रश्न सीधे इसके नाम से बन सकता है तथा प्रश्न अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। दूसरा प्रश्न इसके भीमा कोरेगांव घटना की संलिप्तता पर भी बनाया जा सकता है तथा प्रश्न अब आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब समझते हैं कि मॉडिफाइड एलिफेंट अब मॉलवेयर को अपने लक्ष्य तक भेजता कैसे है। सेंटिनल ऑन की एक रिपोर्ट के अनुसार मॉडिफाइड एलिफेंट ऑपरेटर पिछले एक दशक से फाइल अटैचमेंट के साथ स्फीयर फिशिंग ईमेल का उपयोग करके अपने लक्ष्यों को संक्रमित कर रहे हैं। उनकी तकनीक समय के साथ और परिष्कृत होती जा रही है। सेंटिनल ऑन के अनुसार नेटवायर और डार्क कॉमेट दो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिमोट एक्सेस ट्रोजन RAT मॉडिफाइड एलिफेंट द्वारा प्राथमिक तौर पर यूज किए जाते हैं। अब समझते हैं कि नेटवायर क्या है। तो नेटवायर एक रिमोट एक्सेस ट्रोजन रैट है, जो पासवर्ड चोरी, की लॉगिंग और रिमोट कंट्रोल क्षमताओं पर केंद्रित है। यह 2012 से उपयोग में है और आमतौर पर सोशल इंजीनियरिंग अभियानों के माध्यम से विस्तारित किया जाता है। अब बात करते हैं डार्क कॉमेट की। तो डार्क कॉमेट एक और रैट है। रैट का मतलब मैंने आपको पीछे बताया है रिमोट एक्सेस ट्रोजन, जो एक सुविधाजनक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग करके उपयोगकर्ता के सिस्टम को नियंत्रित कर सकता है। इसे शुरू में 2008 में फ्रांसीसी इंफोसेक प्रोग्रामर जीन पियरे लेउसर द्वारा विकसित किया गया था और इसका उपयोग स्क्रीन कैप्चर, की लॉगिंग या पासवर्ड चोरी
करके पीड़ितों की जासूसी करने के लिए किया जा सकता है। मॉडिफाइड एलिफेंट ने अपने पीड़ितों को नेटवायर और डार्क कॉमेट के साथ एंड्रॉयड मैलवेयर भी भेजा। यह मैलवेयर एक अज्ञात ट्रोजन होता है जिसे एपीके फाइल के रूप में विस्तारित किया जाता है। इससे यह पता चलता है कि मॉडिफाइड एलिफेंट सभी उपकरणों पर लक्ष्य कर पूर्ण कवरेज प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। मॉडिफाइड एलिफेंट द्वारा लक्षित कई व्यक्तियों को पेगासस और अन्य मोबाइल निगरानी स्पाईवेयर द्वारा भी लक्षित किया गया है। अब बात करें यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में बनने वाले संभावित प्रश्नों की, तो पहला प्रश्न डार्क कॉमेट से बन सकता है और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। दूसरा प्रश्न जो बन सकता है वह आपकी स्क्रीन पर अब दिखाई पड़ रहा होगा। अब समझने की कोशिश करते हैं कि मैलवेयर, ट्रोजन, वायरस और वर्म में क्या अंतर है। तो मैलवेयर को कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से अवांछित अवैध कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए सॉफ्टवेयर के रूप में परिभाषित किया गया है। इसको दुर्भावनापूर्ण इरादे वाले सॉफ्टवेयर के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। मैलवेयर को इस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है कि वे कैसे निष्पादित होते हैं, वे कैसे फैलते हैं और वे क्या करते हैं। अब बात करते हैं वायरस की। तो वायरस एक प्रोग्राम है जो अन्य प्रोग्रामों को संशोधित करके संक्रमित कर सकता है, ताकि स्वयं की एक संभावित विकसित प्रतिलिपि मूल प्रोग्राम में शामिल की जा सके। अब बात करें वर्म्स की, तो यह एक कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित होता है, तथा वायरस के विपरीत कंप्यूटर वर्म्स दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है जो वैध फाइलों में घुसपैठ करने की बजाय एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में खुद को कॉपी करते रहते हैं। अब समझते हैं कि ट्रोजन क्या होता है। तो ट्रोजन या ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा प्रोग्राम है जो आमतौर पर किसी सिस्टम की सुरक्षा को बाधित करता है। ट्रोजन का उपयोग करके सुरक्षित नेटवर्क से संबंधित कंप्यूटरों पर बैकडोर एंट्री बनाने के लिए किया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक प्रोग्राम जो एक सुरक्षित नेटवर्क में बाहरी पहुंच की अनुमति देता है, ताकि एक हैकर सुरक्षित नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त कर सके। अब बात करते हैं होक्स की। तो होक्स एक ईमेल है जो उपयोगकर्ता को एक निश्चित सिस्टम के बारे में चेतावनी देता है कि कोई उसके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके बाद संदेश उपयोगकर्ता को नुकसान पहुंचाने वाली प्रणाली को ठीक करने के लिए एक प्रक्रिया, जो कि अक्सर डाउनलोड के रूप में होती है, को चलाने का निर्देश देता है। और जब यह प्रोग्राम चलाया जाता है तो यह सिस्टम पर अटैक करता है और एक महत्वपूर्ण फाइल को हटा देता है। अब बात करते हैं स्पाईवेयर की। तो यह कंप्यूटर पर अटैक करता है और जैसा कि इसके नाम का तात्पर्य है, बिना सहमति के उपयोगकर्ता की गतिविधियों पर नजर रखता है। स्पाईवेयर दुनिया भर में लाखों कंप्यूटरों को संक्रमित कर रहा है। अब बात करते हैं कि मॉडिफाइड एलिफेंट अपने पीड़ितों के उपकरणों का करता क्या है। तो सेंटिनल ऑन की रिपोर्ट में आमतौर पर मॉडिफाइड एलिफेंट द्वारा तैनात मैलवेयर को वैश्विक और अपने उद्देश्य के लिए प्रभावी दोनों रूप में बताया गया है, तथा पीड़ितों के उपकरणों तक रिमोट एक्सेस और अप्रतिबंधित नियंत्रण प्राप्त करना ही इसका मूल उद्देश्य है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपने उपकरणों को मॉडिफाइड एलिफेंट से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। हालांकि मॉडिफाइड एलिफेंट जैसे हैकरों द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर किए गए हमलों के खिलाफ बुलेट प्रूफ रक्षा का निर्माण करना मुश्किल है, लेकिन ऐसी कई सावधानियां हैं जो ऐसे हमलों की संवेदनशीलता को कम करने में मदद कर सकती हैं, जिसमें पहला कदम बहुकारक प्रमाणीकरण मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सुनिश्चित करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आप
या आपके सहयोगियों की ईमेल आईडी और अन्य खातों से समझौता नहीं किया गया है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ आपको सिस्टम या खाते में लॉगिन करने के लिए दो सूचनाओं की आवश्यकता होती है, जैसे पासवर्ड और बेतरतीब ढंग से उत्पन्न कोड। एक हैकर को कई खातों और उपकरणों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए श्रृंखला में केवल एक कमजोर लिंक की आवश्यकता होती है। यदि आप या आपके उपकरणों के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो हैकर आपके उपकरणों और खातों का लाभ उठाकर आपके मित्रों, परिवार और सहकर्मियों तक पहुंच बना सकते हैं। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन पहली कमजोर कड़ी की रक्षा करने में मदद कर सकता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि बाकी से समझौता नहीं किया जा रहा है। उसी तरह अपने आसपास के लोगों को साइबर हमलों के खतरों के खिलाफ शिक्षित करना महत्वपूर्ण है कि वे अज्ञात और ज्ञात स्रोतों से आने वाले ईमेल के बारे में सावधान रहें। एक अन्य महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय इंटरनेट पर आपके द्वारा भेजी गई किसी भी प्रकार की फाइल को इनक्रिप्ट करना है। मैलवेयर पेलोड वाली फाइलों को डाउनलोड करने में अपने लक्ष्य को धोखा देने के लिए हमलावर अक्सर वैध दस्तावेजों का उपयोग करते हैं। यदि वे पहली बार में इन दस्तावेजों तक नहीं पहुंच सकते हैं तो वे इसके साथ मैलवेयर अटैच करने में सक्षम नहीं होंगे। अंत में अपने डिजिटल व्यवहार के प्रति सतर्क और जागरूक रहें। अगर आपको लगता है कि आपका कोई पासवर्ड या आपका कोई परिचित इस तरह के साइबर हमलों के निशाने पर हैं तो आपके द्वारा की जाने वाली हर डिजिटल कार्रवाई से आप सतर्क रहें। आप यह कभी नहीं जान सकते कि किस ईमेल, किस संदेश, फाइल या लिंक में मैलवेयर है जिसका उपयोग आपके डिवाइस या आपकी जानकारी से समझौता करने के लिए किया जा सकता है। यदि आप कुछ संदिग्ध देखते हैं, भले ही वह किसी विश्वसनीय स्रोत से आया हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह उसी व्यक्ति ने भेजा है, उससे पुष्टि अवश्य करें कि वास्तव में उसके द्वारा ही भेजा गया है। तो यह बात थी मॉडिफाइड एलिफेंट की। यदि अभी भी आपके दिमाग में कोई प्रश्न आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य पूछिए। मैं यथासंभव आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं अगले शनिवार सुबह 10 बजे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।